एक तरफ जहां तेजी से बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी की हालत खराब कर दी है, वहीं इसके बाद भी जब वाहन चालक महंगा पेट्रोल अपने वाहन में डलवाने जाते हैं तो वहां भी पेट्रोल कर्मचारी अपनी कारस्तानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला इंदौर में सामने आया है, जहां पहले तो पेट्रोल कम दिया और जब इसका विरोध किया तो पंप कर्मचारियों ने मैनेजर से न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि देख लेने तक की धमकी भी दे डाली। आज पेट्रोल के दाम करीब 108 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। ऐसे में कड़ी मेहनत की कमाई से वाहन चालक अपने वाहन में पेट्रोल भरवाने जाता है तो वहां भी पेट्रोल पंप कर्मचारी अपनी कलाकारी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पेट्रोल के पूरे दाम वसूलने के बाद भी वाहन चालक को कम पेट्रोल दिया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित भारत पेट्रोलियम पंप पर देखने को मिला, जहाँ कमलेश मोहन लाल पांचाल अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद पेट्रोल पंप कर्मचारी को फुल टैंक करने को बोला, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि बाइक में पेट्रोल कम डाला गया तो जांच करवाने की बात कही, जिससे नाराज कर्मचारियों ने न सिर्फ उनके साथ अभद्र व्यवहार किया बल्कि देख लेने तक की धमकी दे डाली। भैया देखते अभी अभी 5-10 मिनट रुको आप, 10 मिनट आप, ये भाई साहब हैं यहाँ पर गाली गलौज करते हुए। नहीं नहीं भैया मैं तो शांति हूँ, वो काम हो रहे हैं। थोड़ी बात तो समझा करो, मैं समझ ही रहा हूँ। आप मुझे 14 लीटर, ये भैया अभी देखिए ये भी धमकी भरी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। भाई जी हॉस्पिटल, एक मिनट एक मिनट, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप करो करिए भैया। देखिए भैया ये ये जुमा झटकी, वो 5 मिनट रुको भैया, आपको बता दूँगा। शांति रखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, वो आप क्या वीडियो बना रहा हूँ, वो गाली बकर भैया, जवाब मैं भी दे सकता हूँ पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी करने दो उनको, करने दो उनको। आप जो हमारे मत जान दो, आग लगाओ आप, आज लगाओ, आज आग लगा दो आपको। ओम नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश मोहनलाल पांचाल। एक छोटा सा मुद्दा है आज का, मुद्दा ये है कि देखिए अभी पेट्रोल की कीमतें करीब 108-109 रुपए प्रति लीटर चल रही हैं, तो आम आदमी को कितनी मार पड़ रही है उस पर आप सबको पता है। और उसके बाद पेट्रोल पंप पर, कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर पूरी मात्रा में पेट्रोल नहीं दिया जाता। आज ऐसे ही वाकया एक मेरे साथ हुआ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं इंदौर में निवास करता हूँ, इंदौर में कालाई नगर के पास में एक बाठिया हॉस्पिटल के पास में एक पेट्रोल पंप है। वहाँ पर ये हुआ कि मेरी गाड़ी रिजर्व में नहीं लगी थी, लगने वाली थी, तो मैंने फुल टैंक के लिए बोला पल्सर 125 में, जिसका मुझे एक अंदाज़ा था कि शायद 11.5 से 12 लीटर के टैंक आता है। तो मैंने उनको बोला कि आप फुल टैंक कर दीजिए, उन्होंने फुल टैंक करा तो करीब 14 लीटर और 28 ग्राम ऐसा कुछ पेट्रोल आया। तो मेरा जो कन्फ्यूज़न था, मैंने उनसे ये कहा कि यार पेट्रोल इतना डलता नहीं गाड़ी में, 11 लीटर 11.5 लीटर की टंकी है, तो आप गलत डाल रहे हैं या मुझे कम पेट्रोल दिया। तो बोलते कि नहीं सर, हमने बिल्कुल पूरा दिया। तो मैंने ठीक है, मैंने यार आप चेक करवा दीजिए कि कितना निकल रहा है, क्योंकि मुझे तो ये अंदाजा था कि 11, 11.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 लीटर की टंकी होगी। हालांकि कमलेश पांचाल ने अभी मामले की किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन पेट्रोल एसोसिएशन और प्रशासन से पेट्रोल पंप जांच की ज़रूर गुहार लगाई है। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ एक्शन लेता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।